आज हम एल टैबलेट के बारे में बात करेंगे। इसका जेनेरिक नेम है एल प्रेजोलाम, और ये 0.25 मिलीग्राम, 0.5 मिलीग्राम और 1 मिलीग्राम में अवेलेबल होती है। अब इसके इस्तेमाल देख लेते हैं, किस मकासद के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको परेशानी है कोई वक्ती तौर पर, या बहुत काफ़ी अरसे से आप परेशान हैं किसी सदमे की वजह से, किसी तकलीफ़ की वजह से, तो उसके लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आपको नींद नहीं आती किसी भी वजह से, तब भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इसके जो है ना इस्तेमालात हैं, यूजेज हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको एलर्जी है हाइपर सेंसिटिविटी है से, वो लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिनको शिजोफ्रीनिया है, ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है जो कि अमेरिका की 1% तकरीबन आबादी को ये शिजोफ्रीनिया डिजीज़ है, डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि आपकी जो है ना मूवमेंट, आपकी बात करने का अंदाज, इसके अलावा आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते किसी चीज़ को, ये सारी जो है ना मिलके शिजोफ्रेनिया की डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर बन जाता है। अगर आपको ये है तब आप हेल्प इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि इसके जो है ना प्रेगनेंसी और दूध पिलाने में इसको इस्तेमाल कर दें। प्रेगनेंसी में जो हामला खवातीन है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, और दूध पिलाने वाली माँ, नर्सिंग मदर जो है ना, वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी एफिकेसी और सेफ्टी सेफ्टी जो है ना अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है कि आया ये सेफ है या नहीं है। और इसको एल्प टैबलेट को 6 महीने से ज़्यादा के लिए जो है ना रिकमेंड नहीं किया गया है, क्योंकि इसकी उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस जो है ना इस्टेब्लिश नहीं है। तो इसका दौरानिया 6 महीने है तकरीबन, इससे ज़्यादा अभी तक इस्टेब्लिश नहीं है। उनको नहीं पता, जो प्रिस्क्राइबर हैं वो दे सकते हैं अपने तौर पर। इसके अलावा 4 मिलीग्राम से ज़्यादा किसी भी सूरत में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। दिन में 4 मिलीग्राम से ज़्यादा जो है ना आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप इसके मुदरसियत असरात देख लेते हैं, एडवर्स ड्रग रिएक्शन को। इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन मुदरसियत असरात जो है ना वो ये है कि आपको चक्कर आ सकते हैं, पेट में आपके दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको कब्ज़ हो सकती है। इसके अलावा शहवत यानी कि आपकी जो सेक्स की ख्वाहिश है ना करने की, वो कम हो सकती है। तो ये सबसे ख़तरनाक इसका एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, मुदरसियत असरात हैं इसके। इसके अलावा आपको वहम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकती है। आप ये इसके मुदरसियत असरात हैं, आपने याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि इसकी एडवर्स यानी कि ड्रग इंट्रेक्शन की, कि किन मेडिसिन से इसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो वो इंट्रैक्ट करके इसकी जो है ना डोज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप शराब पीती हैं तो अल्कोहल यानी कि शराब अगर आप ड्रिंकिंग करते हैं तो उसके साथ आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़्यादा आपको गुनूदगी देगी। इस तरह आप कोमे में भी जा सकते हैं। अगर आप एंटी एग्जाइटी मेडिसन, एंटी डिप्रेशन जो है ना मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी आप इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे एल्प को। अगर आप टोनोफ्लेक्स पी, ट्रामाडोल जो फार्मूला है, अगर वो आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ आपने एल्प्रेजोलाम को इस्तेमाल नहीं करना, इससे उसकी डोज डबल हो जाएगी। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी ड्रग इंट्रेक्शन की। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर भी लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।